यहाँ पर पीएम मोदी के आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका निधन हो गया है ऋषिकेश में। लंबे समय से बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के जो स्वामी हैं, जो उनके गुरु हैं, वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। रात 10:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली ऋषिकेश में। शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11 सितंबर को पीएम मोदी ने की थी मुलाकात। आज दिन भर अंतिम दर्शन कर सकेंगे भक्त। अहम खबर में आपको बता दें कि रात 10:30 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका निधन हो गया। रात 10:20 पर ऋषिकेश में उनका निधन हुआ है देर रात। और 11 सितंबर को पीएम मोदी ने उनसे आखिरी बार मुलाकात की थी, उनसे आखिरी बार बातचीत की थी। पीएम मोदी के आध्यात्मिक गुरु का निधन हो गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का ऋषिकेश में निधन हुआ है। और बताया जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत काफी खराब थी। और 11 सितंबर वो दिन था जब आखिरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। बातोकार अहम खबर की जयपुर से अहम खबर, बीजेपी सांसदों का लगेगा प्रशिक्षण शिविर। जयपुर के एक होटल में शाम 4 होगा उद्घाटन। सीएम राजे और प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना मौजूद रहेंगे। सह संगठन मंत्री वी सतीश भी करेंगे संबोधित। सीट लगभग 30 सांसद शिविर में शामिल होंगे। सांसद राम जेठमलानी को नहीं बुलाया गया शिविर में। तो सह संगठन मंत्री वी सतीश भी आज संबोधित करेंगे वहां पर, और 30 सांसद ही होंगे शिविर में शामिल। तो 30 सांसद हैं जो कि शामिल होंगे। सांसद है राम जेठमलानी, उनको शिविर में नहीं बुलाया गया है। और बीजेपी सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आज जयपुर में लगने वाला है। बीजेपी के जो सांसद है उनका प्रशिक्षण शिविर लगेगा आज जयपुर में, जयपुर के होटल में शाम 4 के करीब। इस आयोजन का उद्घाटन होगा। सीएम राज्य और प्रदेश के जो प्रभारी है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। सह संगठन मंत्री वी सतीश भी आज इस बैठक को संबोधित करेंगे। बातकार हम खबर की जयपुर से हम खबर, सलमान खान पर आर्म्स एक्ट मामला है। सीजीएम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तत्कालीन कलेक्टर है रजत कुमार मिश्र, इनको तलब किया गया है। पूर्व पुलिस अधिकारी अशोक पाटनी को भी यहां तलब किया गया है। सलमान के वकील इन दोनों गवाहों से आज जिरह करने वाले हैं। तत्कालीन कलेक्टर रजत कुमार मिश्र को आज तलब किया गया है, आज उनसे जिरह की जाएगी। और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं अशोक, उनको भी तलब किया गया है। सलमान के वकील इन दोनों गवाह से फिर से जिरह करने वाले हैं। यहां पर अपील दायर की गई थी जो 5 गवाह इस पूरे मामले में उनसे फिर से जिरह की जाए। तो ऐसे में उस मामले को इस याचिका पर गौर करते हुए ये जो रजत कुमार मिश्र हैं, तत्कालीन कलेक्टर थे उस दौरान, उनको तलब किया गया है। पूर्व पुलिस अधिकारी हैं अशोक, उनको भी आज तलब किया गया है। और सलमान के वकील जो है आज इन गवाहों से जिरह करने वाले हैं। जोधपुर से खबर, सलमान खान पर आर्म्स एक्ट का पूरा मामला, और इस मामले को लेकर सीजीएम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और जो इस पूरे मामले में अहम गवाह है तत्कालीन कलेक्टर रजत कुमार मिश्र, उनको भी तलब किया गया है। और उस दौरान जो पूर्व पुलिस अधिकारी थे अशोक, उनको भी तलब किया गया है। सीएमओ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विश्व बैंक के जनप्रतिनिधियों के साथ ही उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक काफी सकारात्मक रही। 1 घंटे से अधिक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री राजे की पूरी कमान दिखी। बैठक के दौरान राजे का ऊर्जा और पेयजल पर खास फोकस रहा। बैठक में राजस्थान में विश्व बैंक के सहयोग से चल रहे राजस्थान रूरल लाइवलीहुड और प्रोजेक्ट, उसके साथ ही राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोजेक्ट, राजस्थान रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम राजे ने कहा कि राज्य के विकास के लिए पेयजल और जल संसाधन, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के क्षेत्र में विश्व बैंक के सहयोग की जरूरत है। टोंक के सादत अस्पताल का चिकित्सा मंत्री ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में गंदगी को देखते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि उन्होंने आज तक इतना गंदा सरकारी अस्पताल नहीं देखा। मंत्री ने अस्पताल को मरीजों के साथ बीमार बताया। औचक निरीक्षण के दौरान 2 डॉक्टर गैर हाजिर मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल की सेहत सुधारने के लिए चिकित्सा मंत्री ने 25 लाख रूपये जारी किए हैं। अस्पताल की बदहाली को देखते हुए चिकित्सा मंत्री ने डीएम को हर महीने अस्पताल का औचक निरीक्षण करने को कहा है।
सूबे में डेंगू पैर पसार रहा है और ये कहना है यहाँ पर जिस तरह से पैर पसारता जा रहा है डेंगू, उसके चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात बेकाबू हो रहे हैं और मामला जांच पर अटका हुआ है। सरकारी संसाधन कम है और प्राइवेट संसाधन महंगे हो गए हैं, लेकिन अब चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ की अपील पर प्राइवेट संसाधन भी सस्ते हो रहे हैं। कोटा के बाद झुंझुनू के प्राइवेट लैब संचालक और चिकित्सकों ने निर्णय लिया है कि उनके यहाँ पर जिस डेंगू की जांच के 600 रुपए लिए जाते थे, अब वो इसे जांच के लिए केवल 300 रुपए लेंगे। यही नहीं, अगर गरीब मरीज या उसके परिवार का सदस्य आता है तो इसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। ये निर्णय चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर सीएमएचओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। आज झुंझुनू जिले में हमने प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब लैबों के इंचार्जों की हमने मीटिंग रखी है, जिसमें हमारे झुंझुनू जिले के सभी चिकित्सकगण प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे उनके संचालकगण उपस्थित हुए हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय की अपील पे यहाँ सभी ने निर्णय लिया है कि डेंगू से संबंधित जो इम्यूनोग्लोबिन की जाँचें आज तक 600 रुपये में हुआ करती थी, वो अब 300 रुपये में प्राइवेट हॉस्पिटल भी करेंगे। सूबे के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दौसा में जब पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा कि सरकार कोई ऐसी योजना लागू करेगी जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, इस सवाल के जवाब में देवनानी ने कहा कि जब सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी होगी तब अपने आप सरकारी कर्मचारियों के बच्चे वहाँ पढ़ना शुरू कर देंगे। पच्चीस सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के मौके पर सूबे के उच्च शिक्षण संस्थानों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां विभाग की ओर से पूरी कर ली गई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और बकरीद एक ही दिन है। सरकार ने इस दिन सूबे के सभी कॉलेजेस में स्वैच्छिक अवकाश रखा है, जिसका कुछ संगठनों ने हाल ही में विरोध भी किया, लेकिन सरकार ने इन संगठनों के लगाए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति की छुट्टी को रद्द नहीं किया जाएगा। ये कोइंसिडेंट है कि 25 सितंबर को इस बार ईद भी है, क्योंकि चांद दिख गया, इसलिए पहले ये कन्फ्यूजन था कि 24 को होगी 25 को होगी, अब चांद दिख गया इसलिए 25 को ही तो ईद है और 25 को ही दीनदयाल जी की जयंती है। अब 120 साल पहले हमें पता नहीं था कि दीनदयाल जी 25 सितंबर को पैदा हो रहे हैं तो उस दिन ईद पड़ेगी, तो हमें तो पता नहीं था। वन विभाग की जमीन को गरीब बनकर लेने के मामले में वन मंत्री राजकुमार रिणवा मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि मामले की एसीबी जांच कर रही है और इस मामले पर इस वक्त कुछ भी कहना गलत होगा। वन मंत्री राजकुमार रिणवा खेतरी के नगली सलेदी में पाबूधाम मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। वहीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए पशुपालन मंत्री ओटाराम देवासी ने गायों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से गौ तस्करों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की योजना बनाने की बात की। पशु मैं जिस तरह से आपने बताया कि पशु की तस्करी हो रही है, पशु पूर्ता अधिनियम ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें हमारी एक कार्रवाई चालू है और पुलिस को खुद को भी पता है कि भाई कौन से नियम में उसको गाय को जो तस्करी हो रही है उसको पकड़ना। उस मामले में क्या बताएंगे, सब जांच चल रही है और चल रही है, कोई जांच की बता दो, जांच चलती है, एसीबी जांच कर रही है, उसके बाद बोलना है ना, वो एक प्रकार का नहीं, ये जांच चल रही है। गुर्जर नेताओं ने गुर्जर आरक्षण बिल पास करने पर सीएम का आभार व्यक्त किया है। सवाईमाधोपुर दौरे पर आई सीएम वसुंधरा राजे का गुर्जर नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो गुर्जर समाज से आरक्षण देने का वादा किया उसे उन्होंने निभाया है। इस बारे में गंगापुर सिटी विधायक मान सिंह गुर्जर का कहना है कि सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए पारित किया गया विधेयक लोकसभा में भेजा जाएगा, जहां उसे नौवीं सूची में शामिल करने के बाद गुर्जर समाज के लोगों को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि सीएम राजे अपने 2 दिवसीय दौरे पर सवाईमाधोपुर में हैं और यहां उन्होंने लोगों की जन समस्याएं भी सुनी। आजादी के बाद सुरक्षा का जो जिम्मा कौम एक लंबे समय से और आज भी इसको निभा रही है, उस कौम को ये लग रहा है कि इसके माध्यम से, इस बिल के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से नवी अनुसूची में डालने की एक प्रक्रिया जो राजस्थान सरकार ने की है, उसके लिए सब लोग यह धन्यवाद देने के लिए मुख्यमंत्री साहिबा को देने आए। बीजेपी नवनिर्वाचित संगठन की एक बार फिर से पाठशाला लगेगी। जी हां, नए विधायकों के बाद अब पार्टी
सूबे में अपने विधायकों को विधायी कार्य के साथ साथ पार्टी की नीतियों और मर्यादित आचरण व्यवहार की घुट्टी पिलाएंगी और इसके लिए 24 और 25 सितंबर तक जयपुर में खजाल में सूबे के सांसदों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिसमें सीएम राज्य सहित केंद्र से कई पदाधिकारी शामिल होंगे। दो दिन चलने वाली इस कार्यशाला में लोकसभा के 25 और 5 राज्यसभा सांसदों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इस प्रशिक्षण वर्ग में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भी सतीश, प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना, सह प्रभारी गोपाल शेट्टी और खुद सीएम वसुंधरा राजे बतौर वक्ता सांसदों से अपने अनुभव बांटेंगे। रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर राजधानी में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। जयपुर नगर निगम जिन कामों को करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है उन्हें अब जेडीए की मदद से पूरा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जयपुर में जेडीए अपने स्तर पर दोबारा से शुरू करेगा। जैसे दिल्ली बाईपास के सौंदर्यकरण के लिए 2 साल पहले ग्रीन वैली प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी लेकिन नगर निगम की आर्थिक हालत खराब होने के चलते ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते पर चला गया और अब दिल्ली रोड प्रोजेक्ट का काम जेडीए संभालेगा। विकास का ये साझा काम है, निगम हो चाहे जेडीए, सरकारी एजेंसियां, हम सब का मकसद जयपुर का विकास करना है। आरके मार्बल ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने आरके मार्बल ग्रुप के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा है। टीम के 150 से ज्यादा अधिकारियों ने आरके मार्बल ग्रुप के अलग अलग ठिकानों में कार्रवाई की। विभाग की टीम के साथ सीआरपी के जवान भी मौके पर मौजूद थे। हम तो विजुअल बना रहे हैं। राजसमंद के विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर कार्यालय में बम से उड़ाने का धमकी भरा खत मिला है जिसके बाद हरकत में आए पुलिस महकमे ने मंदिर में सघन जांच की लेकिन मंदिर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने चैन की सांस ली। हालांकि बम की सूचना लेकिन मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि धमकी भरा खत लिखने वाले ने अपना पता भी लिखा था जो 12 सितंबर को गुजरात के बड़ौदा में भेजा गया बताया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में सेना की ओर से किए जा रहे अभ्यास के दौरान एक टैंक का गोला फट गया। हादसे में मेजर ध्रुव यादव की मौत हुई और सेना की ओर से फायरिंग का अभ्यास किया जा रहा था। इसी दौरान अभ्यास के लिए काम ले जा रही सैन्य सामग्री के बीच रखा हुआ टैंक का एक गोला फट गया। इस दौरान यहां पर 75 आर्म्ड में मेजर ध्रुव यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद सेना के जवानों अफसरों में मायूसी छा गई। अचानक टैंक का गोला फटने और हादसे में सैन्य अफसर की मौत के बाद सेना ने कोर्ट ऑफ एक्सपायरी आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजधानी के सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की जानलेवा पिटाई कर लोहे के गर्म सरिये से शरीर पर दागा गया। 8 साल से हत्या के एक मामले में जेल में बंद कैदी इमरान की तस्वीरें जेल से वायरल हुई हैं जिसमें कैदी की बेरहमी से पिटाई की गई है। जेल प्रशासन हालांकि ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रहा है। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि कैसे कैदियों को सरियों से पहले पीटा गया और फिर पीठ पर लोहे की रॉड गर्म कर नाम दागा गया। पीठ के बल लेटे इस कैदी का नाम इमरान है जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। 8 साल पहले इमरान और इरादतन हत्या के मामले में जयपुर जेल में बंद है। इमरान की मां ने बताया कि कुछ साल पहले जयपुर जेल में तैनात जेलर प्रहलाद सिंह के साथ उसके बेटे की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी जिसके बाद से जेलर ने उसके बेटे इमरान को परेशान करना शुरू कर दिया। प्रहलाद सिंह अब सांभर जेल में तैनात है लेकिन उनका एक करीबी रिश्तेदार जयपुर जेल में ही है। इमरान की मां का आरोप है कि जयपुर जेल में एएसआई शंकर सिंह ने उनके बेटे की पिटाई की है। विजयनगर में मसूदा पुलिस की बेरहमी की शिकायत एसपी तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि मसूदा पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित युवक की माने तो पुलिस ने युवक के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि झूठा केस भी दर्ज करवाया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। वहीं एसपी ने ब्यावर सीओ को मामले की जांच सौंपी। अब मेरे इंजेक्शन लगा के भेजा गया है। इंजेक्शन लगाया नशे का मेरे। पीड़ित सिंह जेलर ने की बवर सिंह चीफ था और अन्य मतलब एक पीरू सिपाही था जो प्रहलाद गंगवाल का सगा भाई है मतलब और कई संतरी थे मतलब इस लक्ष्य के अंदर और सीओ भी थे जो नंबरदार होते हैं बंदी वो भी थे। ये सब लोग थे इसके अंदर।
धौलपुर जेल में खुले बंदी शिविर से बंदी फरार हो गया है और बंदी के फरार होने की खबर मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने इस संबंध में कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक अखिदास नाम के बंदी को जेल के खुले बंदी शिविर में रखा गया था। अखिदास मुरादाबाद का रहने वाला है, जिसे कि 3 अगस्त को बीकानेर जेल से ट्रांसफर होकर धौलपुर लाया गया था। बंदी हर दिन बाहर मजदूरी के लिए जाता था और शाम को जेल लौटता था, लेकिन मंगलवार को बंदी लौटकर नहीं आया। जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने बंदी की तलाश शुरू कर दी है। परसों में एक बंदी एब्सेंट हो गया, शाम की हाजिरी में आया नहीं, तो उसको यहाँ हमने तलाश करवाया, आसपास दिखवाया, यहाँ वो बैठता उठता था, उसका पता नहीं चला, तो फिर उसकी FIR दर्ज करा दी कोतवाली थाने में। गैंगस्टर आनंदपाल की गिरफ्तारी के मामले में जांच का सिलसिला जारी है। बुधवार को पुलिस रिमांड पर चल रहे निलंबित कमांडो शक्ति सिंह, हिस्ट्री शीटर केसर सिंह और महेंद्र सिंह को लेकर नागौर पुलिस अजमेर पहुंचे। जांच दल ने कई जगहों पर रुककर मौका नक्शा तैयार किया, जहां आरोपियों ने मिलकर आनंदपाल सिंह के फरारी की योजनाएं बनाई थी और संबंध में बैठक भी की थी। आनंदपाल सिंह फरारी के मामले में अनुसंधान चल रहा है और इनकी प्लानिंग से संबंधित जो जो मौके हैं उनको तस्दीक करने की कार्रवाई की जा रही है। केशराय पाटन के लाखेरी गांव में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप पूर्व सांसद यहां पर पूर्व पार्षद है सलीम पर लगाया। बकवाल पीड़ित आरोपी ने न सिर्फ उसे 1 साल तक यौन शोषण का शिकार बनाया, बल्कि उसे किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी देता था। लाखेरी थाने में यह मामला पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया। फिलहाल पीड़िता के मेडिकल पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा पुलिस ने रेप का आरोप लगाकर रुपए ऐंठने के मामले में महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कई सफेद पोश लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी मुताबिक सुभाष नगर के रहने वाले शिव कुमार ने रिपोर्ट दी थी कि दारू गोदाम के पास रहने वाली एक महिला अपने नाबालिग बेटी से बलात्कार करने का आरोप लगाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, और इस मामले में महिला ने शिव कुमार से 3 सितंबर को कोर्ट में पढ़ा लिखी करके 8 लाख रुपए भी वसूल कर लिए थे और फिर से 15,000 रुपए की मांग कर रही थी। पुलिस ने जब महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। रेखा साउंटानी करके औरत है जो अपनी नाबालिग लड़की का बलात्कार का भय मुकदमा दर्ज कराने की गरज से मुझसे ब्लैकमेल कर रही है, जबकि मेरे द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। जयपुर के मार्ग चौक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने जमा धन 6 महीने में दुगुना करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दिल्ली में दबिश देकर गैंग के 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में एक युवती भी शामिल है। आरोपी नितिन प्रकाश, शिव कुमार और आरती है, जिन्होंने दिल्ली में एक कॉल सेंटर बना रखा था। यहीं से ये तीनों देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को फोन कर अपनी ठगी का शिकार बनाया करते थे। आरोपी लोगों को फोन कर बीमा कराने का झांसा देते और जमा रकम 6 महीने में दुगुनी करने का लालच देकर मोटी रकम ऐंठते थे। इन लोगों ने कई लोग को अपने जाल में फंसाया। बहरहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाने इलाके में एक युवक की कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई। आरोप है कि दो सगे भाइयों ने आपसी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक नाम के युवक की कुछ समय पहले पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाइयों भीम और अर्जुन से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने अभिषेक से बदला लेने की नीयत से अभिषेक को मिलने बुलाया और फिर उसे बेरहमी से पीटा। दोनों भाई अभिषेक को सुनसान जगह छोड़कर फरार हो गए। बहरहाल मृतक के परिजनों की शिकायत पर दोनों आरोपी भाई पुलिस के हिरासत में हैं। पूछताछ में दोनों भाइयों ने आपसी रंजिश के चलते अभिषेक की हत्या करने की बात कबूल की है। ACB ने घरसाना के गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक मैनेजर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बैंक मैनेजर 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के मैनेजर लीलाधर झारखंड ग्राम सहकारी सेवा समिति 60D के व्यवस्थापक कुलविंदर सिंह से जांच के नाम पर रिश्वत मांगी थी, जिस पर इस व्यवस्थापक ने ACB से शिकायत की और शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने पर ट्रैप कर रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सीकर शहर के ढालयाट का बास मोहल्ले में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कि शराबी नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया। शराबी के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। करीबन 1.5 घंटे बाद लोगों ने शराबी युवक के दोस्त को टंकी पर चढ़ाया, जो उसे समझा बुझा कर नीचे उतारा। नीचे उतरने के बाद शराबी युवक ने बताया कि वह गृह क्लेश से परेशान था।
मालूम है, रंजीत नाम है, शराब के नशे में है, वो चढ़ गया था टंकी पे, वो अपने दोस्त के कहने से उतर गया है सैदुसर। नागौर में डीपीटी का टीका एक दूध में है मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गया। टीके की वजह से बच्चे को कैंसर हो गया। मासूम को बचाने की जद्दोजहद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उसे कीमोथेरेपी की एक के बाद एक डोज दी जा रही है, जिसके चलते उसके सिर के बाल उड़ गए हैं। वहीं दर्द सूजन के चलते बच्चे का रो रो का बुरा हाल है। बता दें कि नागौर के सरकारी अस्पताल में 3.5 महीने पहले डीपीटी का टीका बच्चे को लगाया गया था। वहीं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ. अर्चना शर्मा भी डीपीटी के टीके से बच्चे को कैंसर के ट्यूमर पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही सरकारी सप्लाई में आ रहे दवा और टीकों और उन्हें लगाने के तरीके पर सवाल निशान में खड़ा हो गया है। उन्होंने कीमोथेरेपी करवा दी, उन्होंने कीमोथेरेपी से अब 21 दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं। बीच में हम इतनी बड़ी परेशानी होती है कि हम डीनुआना नागौर लेके आते हैं, तो ये टीका जिसकी वजह से हम इतने परेशान हो रहे हैं, तो ये तो इन सरकार को सोचना चाहिए कि अच्छे ये नर्सों को लगाए। हो सकता है आप अगर सरकार जल्द से इस चीज का ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है आज तो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, कल किसी और की हो जाएगी। छोटे बच्चों को लगाया जाता है 1 महीना, फिर उसके बाद 1.25 महीना और एक पूरा टेन्योर 15 महीने के 3-4 वैक्सीन होते हैं, और ये बच्चों की जिंदगी बचाने वाले वैक्सीन होने चाहिए। जबकि उसकी जगह सरकार जो गुणवत्ता के साथ समझौता कर रही है, उसके कारण ये है कि बिना मानकों के, बिना प्रमाणित हुए ये जो कह सकते हैं कि गलत दवाइयां, जिनसे कि डीपीटी का वैक्सीन है उसमें संक्रमण पाया जाता है, उसके कारण बच्चे की हड्डी में कैंसर होता है और उसकी स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वो अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है। चिरों में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल के भर्ती करने से इनकार किए जाने के बाद महिला ने गंदे नाले के पास बच्चे को जन्म दिया। मामला सरकारी भर्ती अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां पर ऊट वालिया गांव में मजदूरी करने वाली महिला को प्रसव के लिए लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि नर्स ने प्रसव कराने के एवज में 500 रुपये मांगे थे, रुपये न देने पर उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। बाद में परिजन प्रसूता को निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। दर्द से कराहती महिला ने एक दुकानदार से मदद मांगी, लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिली तो महिला ने नाले के पास बच्चे को जन्म दिया। फुटपाथ पर काम करने वाली महिलाओं ने प्रसव कराया। मीडिया के दखल के बाद महिला और बच्चे को भर्ती अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया। नर्स है एक मायने, वह मेरे को 500 रुपया मांगा, कमरा में ले जाके मन कह 500 रुपया दे दे, जब जाको करूंगा भाई 500 रुपया तो है को नहीं, 150 रुपया की हमारी थाली पड़े, फिर हम 500 रुपया गरीब आदमी हम कटा से लेकर आओ, खून जांच करा के फिर क्या खून की बोतल लेकर आओ, फिर खून हमारे कहने आको नहीं भाई, बटे भी आता जोड़ी करी कि भाई तुम जाको चढ़ा दो, फिर भाई खून तारे कहने तो खून चढ़ा दो, फिर खून का हम पैसा दे देंगे, लेने बोले हम खून नहीं लेकर आओ तो बाहर काटो। वो शिला हॉस्पिटल से उन्हें निकलने के लिए रेफर किया, तो निकलते ही बच्ची उनको प्रसव पीड़ा ज्यादा तेज हुई, तो उन्होंने एक दुकान में घुसने की कोशिश की, दुकानदार ने उन्हें धक्के देके बाहर निकाल दिया, फिर उन्होंने एक गली के अंदर बच्ची का प्रसव करवाया। जोधपुर में जैसलमेर रोड पर एक निजी बस और वैन की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को फूंक दिया। दरअसल जोधपुर के मसूरिया इलाके के लोग सुबह वैन में बैठकर जोधपुर से रवाना हुए थे। करीब 10:15 बजे राजवा गांव के पास उनके वैन को सामने से आ रही एक निजी बस ने चपेट में लिया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलवाकर आग पर काबू पाया है। ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए वाहन चालकों को नए नए तरीके अपनाते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन कोटा में चालान से बचने के लिए एक आदमी ने जो तरीका अपनाया है वो देखकर हर कोई भौचक्का रह गया। घटना आनंदपुरा चौराहे की है, जहां चालान से बचने के लिए एक शख्स शरीर में देवता के अवतरित होने का ड्रामा करने लगा और पुलिस कर्मियों से गाड़ी छोड़ने के लिए कहा। देखते ही देखते मौके पर भीड़ लग गई। लंबे वक्त तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने चालान काटकर उसे जाने दिया। कल हम पुलिस कार्रवाई में चालान बना रहे थे, मोटरसाइकिल वाले को रोका, उन्हें भी हेलमेट नहीं है, 200 रुपये हेलमेट का जुर्माना, तो कि भाई साहब पैसे लेके आता हूँ मैं, पैसे लेने के बाद उसकी लेडीज़ को ले गया, लेडीज़ ने देखा क्या हुआ भाई साहब, मेरा जुर्माना 200 रुपये, इनका दिमाग ही सही है,
आप तो मेरी के गरीब आदमी सौ रुपये की बना दो, सौ रुपये की बना के उसके सौ रुपये का नाम लेके उसने देवदाना लिया और ये चालान बंद खत बंद। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही हनुमानगढ़ में अवैध पटाखों का स्टॉक किया जा रहा है। पटाखों का स्टॉक आबादी वाले मोहल्ले के घरों में किया जा रहा है। ऐसे में अगर गलती से कहीं आग लग जाती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। समाचार प्लस की टीम ने बरकत कॉलोनी में एक घर से लाखों रुपए के अवैध पटाखों का पता लगाया। इन पटाखों के मालिक के पास थोक में पटाखा बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है। इस व्यापारी ने कई जगहों पर ऐसी अवैध स्टॉक कर रखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को समय रहते ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। ना, कोई मालिक नहीं।